गाइज आज भी बिगनर्स को सबसे ज़्यादा जो है वो मैं निकॉन डी 5300 कैमरा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये काम जो है प्रोफेशनल करता है। मैंने अपने कैरियर की स्टार्टिंग में बहुत से पेड शूट जो हैं और बहुत से पैसे जो है इस कैमरे से अर्न किए हैं। आज हम इस कैमरे का A to Z टेस्ट करने वाले हैं, हर सिचुएशन में जो है, सनलाइट में, लो लाइट में, जो है नेचुरल लाइट में, और जो नाइट में, इस कैमरे की इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी का हम जो है टेस्ट करेंगे। गाइज मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस कैमरे की A to Z परफॉर्मेंस का आपको पता चल जाएगा और आप आंखें बंद करके ये फैसला कर पाएंगे कि आपने ये कैमरा जो है वो बाय करना है या नहीं बाय करना। बाकी कोई भी कैमरा छोटा या बड़ा नहीं होता, आप किसी छोटे कैमरे से, सस्ते कैमरे से और क्रॉप सेंसर कैमरे से भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं अगर आपको कैमरा सेटिंग जो है वो आती है। आज की वीडियो के हमारे 5 स्टेप है। पहले स्टेप में हम जो बेस्ट सेटिंग देखेंगे, दूसरे स्टेप में इसकी इमेज क्वालिटी का टेस्ट करेंगे, तीसरे स्टेप में इसकी वीडियो क्वालिटी का टेस्ट करेंगे, चौथे नंबर पर इसके की फीचर बताऊंगा और 5वें नंबर पर आपको न्यू और यूज में इसकी प्राइस जो है वो गाइड करूंगा। चलिए पहले नंबर पर इस कैमरे की बेस्ट सेटिंग की बात कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर इस कैमरे का मॉडल आपको लिखा नजर आता है और गाइस यहाँ पर इस तरीके का आपको इंटरफेस ऊपर का नजर आता है। यहाँ पर जो ऑन ऑफ का डायल है, यहाँ पर जो है मैनुअल ऑटो को डालने वाला डायल है और यहाँ पर आपको इसका वाईफाई और जो है लाइव का बटन मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर मेन्यू के अंदर आने के लिए आपने यहाँ पे आई का बटन दबाना है और आपने इस तरह के मेन्यू में आ जाना है। यहाँ पर आपने जो इमेज क्वालिटी को फाइन और लार्ज पे रखना है, ठीक है, यहाँ पर फाइन और लार्ज। इसके अलावा जो है आपने HDR को जो है आप रख सकते हैं ऑटो पे या जो है आप ऑफ रख सकते हैं। इसके अलावा वाइट बैलेंस को आपने जो है हमेशा से ऑटो पे रखना है। इसके अंदर जो है इसके बाद ISO को आपने सिचुएशन के हिसाब से रखना है। इसके अलावा सेट पिक्चर कंट्रोल को जो आप स्टैंडर्ड पे रख सकते हैं, मुझे स्टैंडर्ड अच्छा लगता है। इसके अलावा ऑटो फोकस एरिया को आपने हमेशा ऑटो फोकस A पे रखना है, ठीक है, और भी मूड आते हैं लेकिन आपने जो है A यूज़ करना है। इसके अलावा आपने 39 पॉइंट जो है यूज़ करना है, जिससे आपकी फोटो के अंदर फोकस जो है काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा जो आपने मीटरिंग मूड को हमेशा सेंटर वेटेज पे रखना है। उसके बाद गाइज आपने मेन्यू के अंदर आकर जो जरूरी सेटिंग करनी है, यहाँ से आपने कलर स्पेस को जो है Adobe RGB रख लेना है। एक्टिव लाइट को आप ऑन कर सकते हैं या आप जो ऐसे नॉर्मल पे रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने जब ऊपर आना है तो आपने एक जरूरी सेटिंग करनी है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग को आपने 14 बिट कर देना है। अपने सेट पिक्चर कंट्रोल के अंदर आकर जो है स्टैंडर्ड के अंदर जाना है, यहाँ से आपने शार्पिंग को बढ़ा लेना है और जो है कंट्रास्ट को आप सिचुएशन के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपने सैचुरेशन को जो है 1 स्टॉप जो है वो बढ़ा लेना है। तो गाइस चलिए दूसरे नंबर पर जो है हम इसकी इमेज क्वालिटी का टेस्ट करते हैं। गाइस यहाँ पर जो भी मैं सेटिंग रखूंगा कैमरे की वो आपको जो है पिक्चर के ऊपर मेंशन मिलेगी, लाजमी कैमरा सेटिंग भी सीखिएगा और जो है जो भी मैं तस्वीरें निकालूंगा उनका विदाउट एडिट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर उन्हें डाउनलोड करें, जूम करके क्वालिटी को चेक कीजिएगा इस कैमरे की और जो उन पिक्चरों को लाजमी एडिट कीजिएगा और एडिट करके जो है आप जो है इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी जो है #HajiNewton जो है वो यूज़ करके पोस्ट कीजिएगा। मैं जो यूट्यूब पर लाइव आकर जो उनका रिव्यू करूँगा और आपकी गलतियाँ बताऊँगा, जिसकी तस्वीर जो सबसे अच्छी होगी उसको जो मैं अपना 1 क्लिक फिल्टर या प्राइस बिल्कुल फ्री में दूंगा। अगर आपके पास जो एक्सपेंसिव फ्लैशलाइट नहीं है तो आप सनलाइट में अपना हर तरह का फोटोग्राफी का वर्क जो इस कैमरे से कर सकते हैं। मैंने इस कैमरे को जितना भी सनलाइट में यूज किया है, मुझे जो है पिक्चर क्वालिटी 10x10 मिली है। आप जो मुझे कमेंट में बताएं कि इसकी शार्पनेस को और ब्लरिंग को सनलाइट में कितने मार्क्स देंगे। इस फोटो को जो है मैंने फोटोशॉप के अंदर जो है मैनिपुलेशन बनाया है, इसका बैकग्राउंड चेंज किया है और इसके ऊपर अपना 1 क्लिक फिल्टर अप्लाई किया है और इसका जो ट्यूटोरियल है और इस और आने वाले जितने भी मेरे जो है फ्यूचर में ट्यूटोरियल हैं वो मैंने अपने 2nd चैनल पर डाल दिए हैं, जिसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो मौजूद है, वहाँ से जाकर आप फ्री में देख सकते हैं। गाइस दूसरी पिक्चर जो मैंने सनलाइट में कैप्चर की है उसके अंदर मैंने वाइट बैलेंस को और स्किन टोन को चेक किया है। आप देख सकते हैं स्किन टोन काफ़ी अच्छी मिली है और वो भी ऑटो वाइट बैलेंस मैंने रखा था। इस पिक्चर को भी मैंने फोटोशॉप के अंदर जो वो मैनिपुलेशन बनाया है, इसके ऊपर अपना 1 क्लिक फिल्टर अप्लाई किया है, जिससे जो है मेरी ऑटो कलर ग्रेडिंग जो है वो बिल्कुल 1 सेकंड में हो जाती है। अगर आप फोटोशॉप और 1 क्लिक फिल्टर बाय करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गाइस फोटोग्राफी की बेसिक्स जो है वो नेचुरल लाइट फोटोग्राफी है। हर बिगनर और हर प्रोफेशनल जो है नेचुरल लाइट में लाजमी फोटोशूट करता है। यहाँ पर वाइट बैलेंस ऑटो होने की वजह से हमें कलर टोन थोड़ी सी ब्लूइश मिली है, लेकिन जो है बाकी ओवरऑल पिक्चर जो है बिल्कुल परफेक्ट हमें मिली है। ये जो है इसकी कलर टोन जो हमने बाद में एडिटिंग के अंदर सेट कर लिया, इसके ऊपर 1 क्लिक फिल्टर अप्लाई किया है और गाइस मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कौन इस तरह की मेरे जैसी कलर टोन जो है वो बना सकता है। जो बना सकता है वो इस फीचर को डाउनलोड करे और डाउनलोड करके बनाए, मैं उसको अपना 1 क्लिक फिल्टर या प्राइस बिल्कुल फ्री में दूंगा। गाइस दूसरी फोटो में हमने पोर्ट्रेट का टेस्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट में 10x10 परफॉर्मेंस है, लेकिन वही मसला है कि वाइट बैलेंस जो ऑटो होने की वजह से थोड़ी कलर टोन जो है वो हमारी ब्लूइश है, लेकिन हमने इसको एडिटिंग में बहुत इजीली जो है इसको ठीक कर सकते हैं। गाइस यहां पर इस फोटो को लाजमी डाउनलोड करें, इसकी क्वालिटी को जूम करके चेक करें, इसको एडिट करके इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पे भी पोस्ट करें, #HajiNewton यूज करके। मैं यूट्यूब पे लाइव आकर रिव्यू
करूंगा और आपकी गलतियां बताऊंगा। गाइस अगर आप इस कैमरे से कोई भी प्रोफेशनल और हाई लेवल का फोटोशूट करना चाहते हैं, कोई फैशन पोर्टफोलियो करना चाहते हैं या कोई पेड फोटोशूट करना चाहते हैं, तो आप जस्ट एक अच्छा लेंस और एक अच्छी फ्लैश खरीद के कर सकते हैं। मैंने जितनी भी फ्लैश फोटोग्राफी की है मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं, और ये जो फोटो हमने निकाली है इसको मैंने फोटोशॉप में एडिट किया है, वन क्लिक फिल्टर अप्लाई किया है, न्यू वन क्लिक फिल्टर, फ्रेश न्यू वन क्लिक फिल्टर जो मैंने डिजाइन की है, जिन्होंने पहले बाय किए उनको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, जस्ट आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। दूसरी पिक्चर में मैंने ये टेस्ट करने की कोशिश की है क्या हम इसे वेडिंग में या आउटडोर में कपल शूट में यूज कर सकते हैं। गाइस बिल्कुल हम जो है इसे आउटडोर में कपल शूट में यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जस्ट एक फ्लैश और जो है एक जो है अच्छा लेंस लगाने के बाद इसकी परफॉर्मेंस जो है आउटडोर पोर्ट्रेट में फ्लैश के साथ बहुत ही अच्छी निकल कर आई है। गाइस इसके ऊपर जस्ट मैंने सिंपल तरीके से अपना वन क्लिक फिल्टर अप्लाई किया है, और लाजमी आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी एडिटिंग को 10 में से कितने मार्क्स देंगे। किसी भी कैमरे की असल परफॉर्मेंस का लो लाइट में पता चलता है, क्योंकि लो लाइट में पिक्चर क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है, फोकस मुश्किल से होता है, कलर वो पिक्चर के नहीं मिल पाते। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें अच्छी क्वालिटी की जो है वो फोटो मिली है लो लाइट में भी। इसको जो है मैंने वन क्लिक फिल्टर इसके ऊपर अप्लाई किया है, न्यू वन क्लिक फिल्टर फ्रेश जो है वो डिज़ाइन किया है और जो इसके ऊपर अप्लाई किया है, आज की वीडियो के अंदर जितने भी फिल्टर हैं वो सारे मैंने न्यू डिज़ाइन किए हैं। दूसरी पिक्चर में हमने चेक ये करना है कि इस कैमरे की फोटो के अंदर ग्रेन्स कितने आते हैं। यहाँ पर जो सूरज बिल्कुल ग्रूब हो चुका है, तकरीबन रात का टाइम है, यहाँ पर जो हमने पोर्ट्रेट निकाला है और जो पिक्चर आप देख सकते हैं काफी अच्छी मिली है, ग्रेन इस पिक्चर के अंदर बिल्कुल नहीं है। इसको हमने फोटोशॉप के अंदर एडिट किया है और बहुत ही मेहनत से मैंने तकरीबन 1-2 घंटे लगाकर इसके ऊपर एक नया फिल्टर डिजाइन करके लगाया है, जिससे काफी अच्छी कलर टोन जो वो हमें मिल रही है वन क्लिक में। नाइट फोटोग्राफी में कैमरे को कंटिन्यूस शूटिंग मोड पे डालकर मैंने जो है वो स्मोक को कैप्चर करने की ट्राई की है। यहां पर फोटो आप देख सकते हैं फुल क्रिस्प एंड शार्प फोटो है, जरा भी शेकी नहीं है। इस फोटो का बैकग्राउंड जो मैंने चेंज कर दिया है फोटोशॉप में, बहुत ही कमाल का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बनाया है, सेकंड चैनल पे डाल दिया है। पिछली वीडियो में सेकंड चैनल का लिंक दिया था लेकिन वहां पर आप लोगों का रिस्पांस नहीं आया, जिसकी वजह से मैं काफी अपसेट हूं, लेकिन अब जो है आप लोग लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाइट फोटोग्राफी में आपके पास 1.8 या 1.4 लेंस होना जो है वो लाजमी है, लेकिन हमारे पास जो है यहां पर 2.8 लेंस था, साथ में जो हमने फ्लैश लाइट यूज की है हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिला है, सिनेमैटिक सी ड्रामेटिक सी फोटो जो हमारी निकल कर आई है। इस फोटो को जो हमने फोटोशॉप के अंदर जो है एडिट किया है, वन क्लिक फिल्टर अप्लाई किया, इसका बहुत ही कमाल का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बनाया है, ये फ्री ट्यूटोरियल है, मैंने अपने सारे पेड ट्यूटोरियल को बिल्कुल फ्री में कर दिया है, जाकर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से जाकर देख सकते हैं। इंडोर स्टूडियो टेस्ट में जो है स्टूडियो लाइट की एक साइड पे हमने जो ग्रीन पेपर लगाकर जो कलर टोन को टेस्ट करने की कोशिश की है, वाइट बैलेंस जहां पर ऑटो था फिर भी हमें काफी अच्छी कलर टोन जो है मिली है। इस फोटो को जो हमने एडोब फोटोशॉप में एडिट किया है, इसके ऊपर काफी ज्यादा हमने पीएनजी वगैरह यूज किए हैं, और जितने भी आज की वीडियो में मैंने पीएनजी यूज किए हैं उन सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाकर डाउनलोड कर ले बैकग्राउंड का भी और जितनी भी टेक्स्ट पीएनजी है उनका भी। बस दूसरी फोटो में जो हमने स्टूडियो में फुल लेंथ फोटो के अंदर ड्रामेटिक सी लाइट बनाकर इस कैमरे की इमेज क्वालिटी को चेक करने की ट्राई की है, मुझे काफी अच्छी इमेज क्वालिटी लगी है, मुझे कोई भी मसला नहीं है, फुल लेंथ फोटो में शार्पनेस कलर टोन हर चीज परफेक्ट है। इसको जो हमने फोटोशॉप में जो है वो एडिट किया है, बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर दिया है, मैनिपुलेशन टाइप बनाया है। अगर आप इस तरीके की एडिटिंग सीखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो आप तब भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे है। तीसरे नंबर पर सबसे पहले हम जो वीडियो की सेटिंग कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर जो आपने हमेशा से मैनुअल मूवी को ऑन कर लेना है, इसके अलावा विंड नॉइज रिडक्शन को आपने जो है यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, अगर जो है हवा बहुत तेज चल रही है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। माइक्रोफोन को हमेशा आप ऑटो पे डाल दें और मूवी सेटिंग को आपने जो है हाई क्वालिटी पे करना है। इसके अलावा फ्रेम साइज को हमेशा से आप जो है 50 FPS पे यूज करेंगे तो आपको सबसे अच्छे जो है वो रिजल्ट मिलेंगे। गाइस ये वाली जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आप देख रहे हैं, ये मैं निकॉन D5300 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन आपको ये मिल जाता है कि आपको इसके अंदर माइक की स्लॉट मिल जाती है, जिसके अंदर आप एक्सटर्नल माइक को है वो अपना यूज कर सकते हैं। गाइस इस कैमरे की रियल वीडियो और जो है एडिट के बाद जो है कलर ग्रेडिंग के बाद वीडियो मैंने आपको चेक करवा दी है। यहाँ पर आप इस कैमरे का स्लो मोशन देख सकते हैं, 60 FPS पे स्लो मोशन है, काफी अच्छा स्लो मोशन मिला है, बैकग्राउंड ब्लरिंग काफी अच्छी मिली है और जो ऑटो फोकस ट्रैकिंग हमें काफी अच्छी मिली है। आप देख सकते हैं मैं इधर उधर मूव कर रहा हूँ फिर भी फोकस जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है।
तो गाइस चलिए चौथे नंबर पर जो हम इस कैमरे के की फीचर की बात कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर ये जो कैमरा है 24 मेगापिक्सल का क्रॉप सेंसर कैमरा है। यहाँ पर जो है इसकी स्क्रीन जो है वो वेरिएबल है, आप इसको किसी भी साइड पे जो मूव कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर जो है हमें टच स्क्रीन नहीं दी गई। इसके अलावा जो है गाइस इसकी जो कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड 5 FPS है। और गाइस इसके जो फोकस पॉइंट है वो 39 फोकस पॉइंट जो है निकोन इसके अंदर ऑफर कर रहा है, जो कि इसके मुकाबले के किसी भी कैमरे के अंदर जो है वो नहीं दिए गए। इसके अलावा इसकी बैटरी जो है वो 600 शॉट जो है वो ले सकती है। तो गाइस यहाँ पर पांचवें नंबर पर इस कैमरे की प्राइस की बात कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर ये जो कैमरा है तकरीबन लगभग $300 के राउंड पर जो है आपको कहीं से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो तक, बाय।